एचआईवी आज से 25 साल पहले मर रहा था वो, और उसको मैंने बोला स्वमूत्र पीड़ो, तो एक सप्ताह तो उपवास, 3 दिन उपवास मात्र किया उसने स्वमूत्र पी करके, और अभी तक बिल्कुल ठीक है वो। क्या बात। मैं खुद 11 दिन उपवास किया हूँ। अच्छा, क्यों? सौ हाँ क्यों? एक पेशेंट था, वो बेचारा डर रहा था, क्या करूं क्या नहीं करूं। कह रहे तो मैं भी रखता हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरे को तो कोई रोग नहीं है, आप मैं जैसे करता हूँ वैसे आप फॉलो करो। तो मैं भी उपवास किया, उसने भी उपवास किया, 11 दिन तक रखा, खींचा मैंने उसको। बहुत बढ़िया। उसको भी लिफ्ट लेकर के उपवास तोड़े, फिर मूंग का पानी ऐसे करके धीरे धीरे दिया, अब स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो हाँ गया ना। बिल्कुल ठीक। एक बता रहा हूँ कि एक्सीडेंट हो गया उसको, पूरा हाफ रेडिस हो गया एकदम से, बड़ा हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार था वो। तो उसका आदमी फोन किया मेरे पास कि आप लेकर के आ दो। तो मैंने क्या बोला उसको, बोलना नहीं, एक लड़का एक बोतल में पेशाब करके ले आओ। अब पूरा लगाया मैंने उसको कपड़े से, ठीक है ना, बल्कि उसको कपड़ा भिगो करके पूरा ऐसे लेप लगा दिया। और उसके बाद रात भर रहा, रात भर में बता रहा हूँ कि रेडीज 50% ठीक हो गया वो, हमें 3 दिन में तो उसे खत्म। तब जा करके उसको मैंने बोला, चला गया घर, वो पूछा कि मेडिसिन तो नहीं मेरे पास में, हमके तेरे पास मेडिसिन है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या है हमके तेरा आपका। तो हंसा पहले कस करके, कहा कह रहे स्वामी जी इसलिए गंध आता था, लेकिन हमको तो पता ही नहीं, हम तो समझे कि मेडिसिन है, वही तेरा मेडिसिन है, आप लगाओ ना। नहीं फिर पहले बोल देंगे यूज नहीं करेगा वो, करेगा। जैसे समझदार लोग हैं चलता। तो बहुत सारे ऐसे, अब आजकल तो मुश्किल हो जाता थोड़ा बहुत सारे काम, लेकिन अब ये लोग प्रोग्राम दिए धीरे जो है हाँ, योग, तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है धीरे धीरे। चलो जिंदगी जागरूकता बढ़ भर तो रही है। जागरूकता और लोगों के जी जगाओ थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो चलो धीरे 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 बढ़ेगा सब। जय बाबा, बड़ी खुश हुई आप लोगों से मिल जी करके। गुरु जी, धन्यवाद।